देखा हूँ पेट्रोल इवेपोरेटर में देखिए चला गया। यहाँ पे देखिए इवेपोरेटर में पेट्रोल घुस गया। अब आपको क्या करना है, एयर प्रेशर देना है इसमें। अब देखिए मैं एयर प्रेशर दे रहा हूँ धीरे धीरे, और इसका सो गाइज एक्चुअली मैं इस गाड़ी का एसी सिस्टम जो है एसी सिस्टम को क्लीन कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो कंप्रेसर है कंप्रेसर बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। तो मैं एक सेकेंड हैंड कंप्रेसर लेके आया और इसको फिट कर दिया, क्योंकि कंप्रेसर आप अगर सिस्टम काला ब्लैक हो जाए तो कंप्रेसर का जो पिस्टन होता है पिस्टन और कंप्रेसर के बीच फ्रिक्शन के वजह से एक गैप हो जाता है, तो आपको कंप्रेसर रिप्लेस करना ही है। तो मैं एक पुराना कंप्रेसर लेके आया और इसको रिप्लेस कर दिया, लेकिन इसका जो कंडेंसर पाइप और इसका जो इवेपोरेटर है तो ये जो चीज़ें ये चीज़ मैं रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ और इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। तो देखिए इसका पाइप देखिए खोल लिया मैं, और यहाँ पे देखिए कंडेंसर जो है कंडेंसर से मैं रिसीवर ड्रायर को निकाल लिया। तो ये देखिए रिसीवर ड्रायर जो हाल बहुत ही ख़राब है ड्रायर का, तो ये ड्रायर आपको रिप्लेस करना ही है, क्योंकि जितने सारे डस्ट पार्टिकल होता है ये रिसीवर ड्रायर पे ही आके फिल्टर होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपको इवेपोरेटर में नहीं खुला, देख सकते हो यहाँ पे डैशबोर्ड में नहीं खुला ओपन किया, लेकिन इसका इवेपोरेटर को तो क्लीन करना है। तो इसके लिए मैं एक काम किया, इसका जो इवेपोरेटर का पाइप है उसमें एक होस में लगा लिया, और इसके थ्रू मैं थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन यूज़ करने से अच्छा होता क्लीन अच्छा होता। मेरे पास नाइट्रोजन नहीं है, इसके लिए मैं पेट्रोल से यूज़ कर रहा हूँ, पेट्रोल से भी होता है। तो मैं कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल इसमें डालूँगा पहले। तो मैं पहले देखा देता हूँ पेट्रोल इवेपोरेटर में देखिए चला गया। यहाँ पे देखिए इवेपोरेटर में पेट्रोल घुस गया। अब आपको क्या करना है, एयर प्रेशर देना है इसमें। अब देखिए मैं एयर प्रेशर दे रहा हूँ धीरे धीरे, और इसका यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कितना फिर से इसमें पेट्रोल डालता हूँ थोड़ा सा। दूर से दिखाइए दूर से,
अब देखिए इस प्रोसेस से अगर आप करेंगे तो इसका जो इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर को खोलने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से कई बार करने से आपका ये जो इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो देखिए ये क्लीन हो चुका है, अभी पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। और अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की कितना डार्क पार्टिकल यहाँ पे निकला है। देखिए निकल के आ रहा है। तो गाड़ी का मेरा डैशबोर्ड ओपन ना करके भी इवेपोरेटर तो मेरा क्लीन हो चुका है। अब इसका मैं कंडेंसर को क्लीन करूंगा। स्टार्ट।